हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? तो आज बहुत ही अच्छी सुबह हो गई है, देखो वेदर भी बहुत ही अच्छा वाला है, बादल छाए हुए हैं और देखते हैं, वैसे बारिश रोज तो आ ही जाती है एक बार। तो सभी अभी नाश्ता करने की तैयारी में है और यहाँ पे देखो हमारा छोटू कब से उठ गया है, सोना नहीं है। क्यों है ना? क्यों? हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलो। हेलो, क्यों जल्दी उठ जाता है तू? नींद नहीं आती है? नींद नहीं आती है तुझे? हैं? गुड मॉर्निंग जीरा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? नींद आ रही है। नींद आ रही है? यहाँ पे गद्दे पड़े हुए ही है, इसीलिए मम्मी ने डाले हैं कि आप दोनों सोते रहो, यहाँ पे सो जाओ दोनों। ये देखो इसको भी अभी देखो नींद आ रही है, तो सो जाओ ना, सो जाओ। और यहाँ पे देखो मम्मी बना रहे हैं भाकरी। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। तो आप अभी भाकरी और चाय बना रहे हो और साथ में आप तो मक्खन खाएंगे ना, कल बनाया था, लाल मिर्च खाएंगे। हाँ तो मजा आएगा। और पापा यहाँ पे डीओ कर रहे हैं, पापा जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। तो पापा अभी डीओ करेंगे, बाद में हम सब बैठेंगे नाश्ता करने के लिए। और बज गए हैं आज 7:15। फ्रेंड्स अभी मैं और चिराग दोनों जा रहे हैं बैंक, बैंक में थोड़ा कुछ काम है, बाद में कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे तब कियान और मम्मी को भी साथ लेके जाएंगे। फिर क्या देखो तो ये देखो हमारे छोटू राजा को जो खेल रहा है अनारदाने से। कियान क्या कर रहे हो आप? अनार का जूस पी रहे हो? है क्या कर रहे हो आप? अनार का जूस नहीं पीना है उसे, बस सिर्फ खेलना ही है। ये देखो पिएगा नहीं, वो पिएगा? ये 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 क्यों क्यों कर रही थी तू? ये ना दाऊ देखो बजने को आए हैं 2:45 और बन हम कर रहे हैं अभी लंच। लंच में है आज आलू की सब्जी और यम्मी वाले मेथी वाले मर्चे, प्याज, रोटी अगर दिख रही है तो। और जिराग आप क्या कर रहे हो? कियान का लोटा भर के रस बनाया है मम्मी। और हाँ रस भी है अंदर पड़ा है, मैं लेके आती हूँ। ठंडा कौन खाएगा? नहीं वो तो हो जाएगा, थोड़ी देर रखोगे ना आप तो वो हो जाएगा। तो चलो लंच कर लेते हैं, मम्मी पापा आ रहे हैं, साथ में लंच करेंगे। और यहाँ पे है हमारा छोटू, छोटू। तो फ्रेंड्स बज गए अभी 2:30 का और निकल पड़े हम कोटदूर रोड साइड। यस वही रोड आएगा ना, अभिनंदन मार्केट जा रहे हैं। वैसे तो लगता ऐसा है ना, सभी की कमेंट आती है, बारडोली गए तभी सभी की कमेंट आई थी कि आपने पहले बताया होता तो हम यहाँ पे ही रहते थे, तो आप हमें मिल लेते। पर होता क्या है कि हमारा कोई प्लान नहीं होता है, अगर निकलते हैं तो उसी टाइम प्लान बन जाता है, वरना तो आपको बोलते तो सबको ऐसा है कि मिलना है पर हो नहीं पाता है। कोई नहीं, अभी हम जा रहे हैं। मुझे पता है कि एक दो कमेंट ऐसी भी आएगी कि हम कोटदूर रोड पे रह रहे हैं, तो अभी अभिनंदन मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा बहुत काम है, दिखाएंगे आपको भी, कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो देखते हैं वहाँ पे जाके क्या शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे ही आपको दिखाएंगे। और संगीता आंटी हमारे साथ है, मम्मी भी है, और आंटी बोल रहे हैं कि एग्जीबिशन में जाएंगे तो वहाँ पे भी दिखाएंगे कि कैसा है। पार्क की है यहाँ पे और हम आए हैं यहाँ पे नेचुरल टेस्ट, ओरिजिनल नेचुरल। तो ये आइसक्रीम खाएंगे और देखते हैं अंदर जाके कैसा है आइसक्रीम। आंटी ने खाया हुआ है ना आइसक्रीम, कैसा है? मस्त, ओरिजिनल टेस्ट आता है ना। चलो देखते हैं। किया घुटड़ा भाई चल बेटा घुटड़ा इन्हें जो तो क्यों बा 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 जामुन आइसक्रीम मंगवाया मैंने, मम्मी ने भी जामुन और आंटी ने भी जामुन और चिराग आप सीताफल, पर सीताफल तो मैंने मंगवाया था तो आपने क्यों ले लिया? टेस्ट कर रहे हो और जे किया ना आपने। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे और ये कौन सा ब्रिज है चिराग? केबल ब्रिज, केबल ब्रिज नाम तो मेरे को वैसे पता ही नहीं है।
केबल ब्रिज। वैसे है ना ये ब्रिज का ऐसा भी वीडियो बना बना के रखते हैं ना, बहुत बार देखा है, ये उसके जैसा है, वर्ली सीलिंग है ना मुंबई में उसके जैसा। ये देखो अच्छा लग रहा है। वैसे नंदन मार्केट में गए वहां पे वीडियो, तो अभिनंदन मार्केट गए थे तो वहां पे वीडियो लेना भूल गई थी, तो अभी जा रहे हैं हम घर पे। और वहां पे वैसे जो हम लेने गए थे उसमें साइज नहीं थी तो वो नहीं लिया, मम्मी ने थोड़ा बहुत कुछ लिया, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और गए आइसक्रीम खाने, वो तो आपने देखा ही। अभी जाएंगे घर पे, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, आंटी है हमारे साथ, कियान है, और रात को जाना है बाहर तो वो भी दिखाएंगे आपको। अभी चलते हैं घर। तो मम्मी अभी क्या बनने जा रहा है? बटा का पावा बनाऊं? बटा का पावा? आज प्लेटफॉर्म की हालत अस्त व्यस्त हो गई है थोड़ी, है कियान ने करने नहीं दिया ना सही से, आज काम हैरान परेशान कर दिया ना। और एक्चुअली देखो मम्मी सीन जाने ना इसमें स्टोर करते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। कितने साल तक कुछ नहीं होगा मम्मी? एक साल तो आराम से चलेगा। ऐसे बंद करके रख देते हैं जिसमें कुछ जीवात नहीं होती है, ऐसे ऐसे रहता है, इसे रख करके रख देंगे। सब अनाज भी कठोर भी इसमें रखेंगे ना, उसमें कुछ धनेड़े बनेड़े कुछ नहीं पड़ते। चलो तो मतलब स्टोर करना हो साल भर के लिए तो ऐसे कर देंगे। अजवाइन और चना, फिर चोला आता है, चोले का, हाँ मतलब जो भी कठोर आता है उसमें भर सकते हो। मगनी दाल सब कुछ मतलब सब कुछ। और यहाँ पे तेल रख दिया है तो अभी बनेगा पोहा। मैं जब से छोटा था तो ये मम्मी यहाँ बना रही होती और मैं प्लेटफॉर्म पे बैठता था, है ना मम्मी, तब से बैठता हूँ मैं यहीं, जब भी आता हूँ तब यहीं पे बैठ ही जाता हूँ। अरे अपनी आदत ऐसी है तो बैठ जाते हैं, तो अभी रिंकल ऊपर गई है तो मैं सोचा थोड़ा वीडियो बना लेते हैं और रेसिपी भी दिखा देते हैं। ये थोड़ी सी हींग डाल दी है, उसके बाद सिंगदानी, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए ना इसका, हींग के बाद सिंगदाने डालने। मैं पहले ऐसे बनाती हूँ, तुम जैसे बनाते हो मैं ऐसे बनाती हूँ। मैं पहले सिंगदाने डाल देता हूँ, फिर निकाल लेता हूँ, फिर तेल डाल देता हूँ। ये डाल दिया है ऊपर कड़ी पत्ता, कड़ी नहीं कड़ी कड़ी, ये डाली मिर्च, ये डाल दी है मिर्च। सिंगदाने निकालने नहीं है क्या? ऐसे ही रहने देने? तो काले नहीं पड़ जाएंगे वो? ऐसे कैसे, क्या बात है, हम तो निकाल लेते हैं। हल्दी, ये थोड़ी सी हल्दी गई है, और उसके बाद ये आलू जो काट के पानी में रखे थे ताकि काले ना पड़ जाए, बराबर ने हम। ये देखो नमक डाला जा रहा है, पिंक सॉल्ट है, मम्मी से ही हमने सीखा है कि खाओ तो पिंक सॉल्ट खाओ, व्हाइट नमक कम ही कम खाओ, है ना रिंग मम्मी? मैंने भेजा था पहली बार, पहली बार तूने भेजा था, बाद में फिर मैंने अभी लेना ही चालू कर दिया, वही लेता हूँ मैं। और उसके बाद ऐसे ढक देते हैं मम्मी, कितनी देर तक ढकना है इसको? आलू पक जाए ना तक। तो पता कैसे चलेगा? अरे कहाँ पक गए? ये थोड़ी सी डाल दी है चीनी, क्योंकि खाने के बिना चीनी के बिना पोहे का टेस्ट अधूरा ही रहेगा हमेशा। उसके बाद डाल दिया जा रहा है नींबू, लास्ट में जाएगा पोहा। कितना नींबू डालना है? दो पूरा डालना है, निचोड़ निचोड़ कर ले लेना, एक के ऊपर एक रख के निचोड़ निचोड़ के नींबू ले लेंगे। इसके ऊपर तीसरा, ये देखो पोहा डाल दिया है। और यहाँ पे देखो मैडम साहब आ रहे हैं और हमारा आराम करने, आराम कर रहे हो यहाँ पे आके? मम्मी कब से यहाँ पे खाना बना रही है और तुझे आराम की पड़ी है, कर क्या रही है अभी तक? मैं सो रही थी ऊपर ऐसे। ये मम्मी समझा को जिसको किया रहे तो ना हो, लड़को छोकरो से रहे तो ना हो,
તો પછી રિંકલ ને કામ આરસ કામ કરવું પડે ને કેને સુડાવા કેતી છે ઘર વર હું સૂતી નોતી કેને સુડાવા કેતી તો મને સુવો ઠીક પણ આ મને એમ કે કામ કરાવજો ભાઈ તું હા હું કામ કરે એમ નો હાલે હાથ એક તો માણ માં આ ભાઈ કર લે આટલું અરે મારથી થાય છે એટલું એટલું તો હું કરાય જે નહીં થાય ત્યારે હું કે મમ્મી લાવ હવે એટલું ઓનલાઈન ના ના હવે હું એટલું હું એટલું કામ પછી માર કે તને ક્રેડિટ નથી આપતી હું એટલું તને બનાવી નાખું એટલે કેવાય તો ખરી મમ્મીએ બનાવ્યું કા ये हो गया है फाइनल पोहे का प्रिपरेशन और उसके ऊपर मम्मी क्या जाएगा ये हम प्लेट में डालेंगे अनारदाने डालेंगे कांदे प्याज और सेव डालेंगे बस तो इसी के साथ वीडियो का क्या करेंगे एंड ओहो हो पची क्यों बुलवानू आवे लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो कर दो फटाफट और पूरा वीडियो देखो तो चिराग मैंने देखा आपने वीडियो का एंड कर दिया पर ये डिश देख के मुझे ऐसा लगा कि आपका वीडियो लिया जाए और आप जो खा रहे हो कैसा बना है मम्मी ने कैसा बनाया है ओहो क्या बात है मम्मी आपने तो बहुत अच्छा बनाया कि चिराग को वैसे पोहे बहुत ज्यादा पसंद है और आपके हाथ के तो बहुत ज्यादा पसंद है तो उसे बहुत पसंद आए है ना चिराग अभी बैठने की जगह नहीं वहाँ पे टेबल पूरा यहाँ पे आज मम्मी बहुत कुछ सामान लाए है बहुत मतलब बहुत ज्यादा वाला और वहाँ पे देखो ये दौड़ा दौड़ के रेडी हुआ है और ये सब अभी घर भर गया है वो आपकी जगह है ना खाने की जाओ पहले चिराग टीवी यहाँ पे थी तो आप यहाँ पे बैठ के ही खाना खाते थे ना कौन के लिए गद्दा रखा तेरे लिए नहीं है इधर आ डीको डीको सास लाओ चल फटाफट कोई नहीं चलो खाना खाने बैठ जाते हैं अभी ये डिश देख के मुझे ऐसा लगा कि वापस वीडियो चालू कर दूं तो अभी करते हैं फाइनल एंड बाय बाय गुड नाइट थैंक यू